हे दोस्तों, हम अभी मज़ार पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग कुछ ट्रायल कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, देख सकते हैं। अभी हम मज़ार में हैं, तो आप पहले आपको ही दिखा लिया, फिर आगे दिखाते हैं। अभी मैं अंदर जाता हूँ, तो पहले मज़ार देखते हैं। यही है मज़ार, और ये देख सकते हैं बच्चे लोग जो ये असल में बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो यही है मज़ार, हाजू मज़ार, जिसको पुआ मक्का कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी फाइनली। तो अंदर देखते हैं पहले कैसे है, आपको भी दिखाते हैं। तो यही है वो बुज़ुर्ग साहब जिनका मज़ार है। तो यही बच्चे लोग का परफॉर्मेंस है इधर, उनसे भी बात करेंगे कुछ देर बाद, दिखाएंगे आपसे बात करके। तो ये मैं थोड़ा सा भी आया हूँ तो ज़्यारत कर लेता हूँ, दुआ वा कर लेता हूँ। के लिए इतना दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम निकले हैं हाजू हाजू मज़ार के पास जाएंगे, हाजू मज़ार में जाएंगे और हम वहाँ का आपको दिखाते हैं हाजू मज़ार। तो देखते रहिए, अभी हम जालुकबाड़ी से निकल चुके हैं, अमीनी गांव में हैं। अभी आगे का व्यू देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर जैसे नज़र आ रहा है इसके। ये अमीन गांव वाला व्यू है। यहाँ से जो हम जाएंगे हाजू 20 किलोमीटर्स है, और नलवारी तेजपुर जा सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं, देखते रहिए कैसा लगता है बताइएगा। बस अभी पहुंचने वाले हैं, तो आगे देख सकते हैं बहुत गाड़ियों की जाम लगी हुई है, पता नहीं क्यों। देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या हो गया यहाँ पे। बस गेट सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ी दूरी पे ही है गेट। तो चलो थोड़े से तो जाम काट कूट के निकल सके हम, बस जाते हैं। बस ये सामने गेट है, आप देखिए। तो हम असल में जो है अभी हाजू पुआ मक्का जो मज़ार है पहुंच चुके, यही है गेट। ये हम अभी अंदर एंटर हो जाते हैं, और यहाँ से जाना होगा, काफ़ी दूर है अंदर, मतलब पहाड़ के ऊपर है यहाँ से भी। तो जाते रहते, देखते रहिए आगे तक के मज़ार पहुँचने तक, देखते रहिए, रास्ता दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ से पूरे गुवाहाटी का व्यू जो देखने को मिलता है, ये बहुत ऊंचा ही है पहाड़ है, बहुत ऊंचाई है यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम बाबा, हम इस नाना की नंबर था तुम्हारे दो जन रे अल अब्दुल खान रे दो सेले रे तो ভাল এ ফরেস্ট দিয়া পো সাকুরি বানা দিন মাওলানা করিম আলা মনের সাথে দিল আমি জাম কাল কা আসমি সব টিকে ঢা গেছি বেটা। হ্যাঁ আচ্ছা, যা কিছু পরে একটা 2-100 টাকা দিলে যাব, আর ওই বেটা অন্ধ ওরে দিলে কিছু ক্ষতি হবে না, আল্লাহ ভালো করবে। আল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমান। নাম কি বেটা তোমার? রাজা খান। রাজা খান, আল্লাহ রাজা খান, আল্লাহ তুমি এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বনাই দে রাজা। আল্লাহ আচ্ছা হামকো সিখা রিয়া হ্যায় ক্যা বাত হ্যায় চল বাস রুলায়েগা ক্যা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া নাবিয়ানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। গাইস হামকো জো হ্যায় আবি আসাম কা মুখ্যমন্ত্রী বনা দিয়া উন্হোনে। ইয়ে ক্যা হ্যায়? चलते हैं आगे की तरफ, देखते देखते रहिए, मिलते हैं इसे। Thank you.
हे गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हम आ चुके हैं हाजू मज़ार के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं और पूरा रास्ता भी, तो आधा ही पहुँचा हूँ, पूरा नहीं पहुँच पाया अभी तक, टाइम लगेगा, थोड़ी दूरी है। और पहाड़ के ऊपर से काट काट के रास्ता बनाया है, देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है यहाँ का पहाड़। और देखते रहिए आगे। असल में क्या हो गया, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया, तो आज बहुत दिन के बाद जो है मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से आया हूँ। तो कोशिश करूँगा रोज़ एक एक वीडियो देने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कुछ काम के कारण नहीं दे पाता हूँ, तो अब से देंगे। ये हमारा बाइक है और मेरे साथ अब्दुल आया है आज, आज हम दोनों आए हैं पूरा हाजू घूमने के लिए। तो देखिए ये हाजू है, हाजू के ऊपर जाने के लिए रास्ता है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। पहाड़ का रास्ता बहुत मज़ा आने वाला है, चलते हमको पहाड़ में चलते चलते बहुत मज़ा आ रहा है, तो देखते रहिए आगे दिखाते हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है, देख सकते हैं हम इतना ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से तो नीचे तक दिखाई नहीं पड़ रही है, बहुत नीचे है यहाँ से। और यहाँ से पानी वानी जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से भी अभी वो बारिश के सीज़न है शायद, इसके लिए टूट रहा है पूरा, बहुत ऊपर आ चुके हैं हम अभी, तो इधर से भी और इतना ऊपर चढ़ना ही है अभी हमको। ये रास्ता इस तरह से आगे जाके, तो अभी चलते हैं आगे, देखते रहिए जहाँ तक पहुँच जाते। फाइनली जो है दोस्तों हम मज़ार पहुंच चुके हैं, बस अभी मज़ार यही है, तो बहुत ऊपर आ चुके हैं अभी, पहाड़ के बहुत ऊपर है ये। और अभी बाइक स्टैंड करते हैं पहले है। तो गाइस सबने देखा अभी कि हमने दिखाया आपको यहाँ पे, वही मतलब हर धर्म के लोग आते हैं ये मज़ार में, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अब देख सकते हैं ये पूरा मज़ार है, दिखाया आपको। और वही अभी वो जो बच्चा का वीडियो मैंने किया, और वो बच्चा असल में देखने में तो लग रहा पूरा मुस्लिम जैसा है, लेकिन वो उसकी मम्मी भी साथ में आई हुई है, तो उसकी मम्मी वीडियो करा रही थी वहाँ पे। असल में 15 अगस्त के कारण किया जा रहा है, अच्छा लगा। अभी चलते हैं, बाहर का व्यू भी आपको दिखाते हैं, ये तो मज़ार देख लिया आपने पूरा। ओ नाइस नेम है, तुम्हें परफॉर्मेंस करी सा, तुम्हारे तो तुम्हें सुहाय ना वीडियो बनाए सा, और बहुत दुनिया वीडियो बनाए सा ना तुम लोग, हाँ भल लगी से वीडियो कटा चाह पिने, हाँ तो एने का वीडियो बनाए था कारो, हाँ ठीक है दिया, थैंक यू। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा लगा। ये दो बहन है, इनकी दोनों बहन के दो लड़का आया यहाँ पे, दो बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और दुआ करता हूँ कि इसी तरह करते रहे और आगे बढ़े। यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम का जो ड्रेस है वो पहन के पूरा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देखा है मैंने। उसका पिताजी है, मैं इसके पिताजी है, तो ये देख सकते हैं इनके पिता। आपका नाम क्या बेटा? आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी, अच्छा तो ये आर्यन चौधरी है, तो मैंने सबका नहीं वीडियो बना पाया, मैं एक ही बच्चे का वीडियो बनाया है, और बहुत अच्छा वीडियो बना है उसका, है ना? तो यही है, जनगण गा दिया सुन। उच्छर जलति तरंगा तव शुभनामे जागे तव शुभाशिष मांगे चाहे तव जय गाथा
जननायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये 15 अगस्त का 15 अगस्त का वीडियो, ऐसे दूसरा वीडियो नहीं बना? दूसरा वीडियो है, दूसरा भी है, यूट्यूब चैनल है क्या? आर्यन म्यूजिक स्टूडियो। अच्छा, आर्यन म्यूजिक स्टूडियो, ये आर्यन है ना? तो आर्यन म्यूजिक स्टूडियो, वो मैं चैनल का नाम तीनों के दे देंगे, तो फॉलो कीजिएगा हम लोगों को भी, बहुत अच्छा है। टीवी चैनल का प्रोग्राम का 5 ईयर ओल्ड IQ 5 ईयर ओल्ड IQ ये विस्मय वालों का। अच्छा, तो बहुत मशहूर है अभी, है ना? अच्छा लगा मिलके, मजा आया। और मैं ये जो मजा है, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, नहीं भी लगा फिर भी सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के एक सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी। चूतिया समझी क्या? चल भाग पहली फुर्सत में। और आगे वीडियो बनाने के लिए तो जरूर सपोर्ट करना दोस्तों, और आगे इसी तरह हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हमारी वीडियो इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं बना पा रहे। मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है जो फिर से हम रोड पहुंच चुके हैं, अभी जाने वाले हैं रोड, हाईवे रोड में पहुँचेंगे। तो पहाड़ से उतर चुके हैं हम अभी, तो अभी हम जाएंगे। तो आपको सरायघाट ब्रिज नहीं दिखाया आते टाइम, तो अभी जाते टाइम हम सरायघाट ब्रिज आपको दिखाएंगे। तब के लिए आप देखते रहिए सरायघाट ब्रिज तक पहुँच के, फिर आपको मैं नए वहाँ से। हे गाइस, अभी जो है हम सरायघाट ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं उस टाइम जाते टाइम हम वीडियो नहीं बनाया था, और जाते टाइम बहुत धूप था, आपने देखा होगा क्या धूप था। अभी देखिए बारिश हो गई है, और बारिश में भीग गया हूँ पूरा। वाह, क्या सुंदर लग रहा है। उस तरफ भी जाएंगे हम घूमने के लिए, तो आप लोगों को वहाँ के भी वीडियो दिखाएंगे आगे। ये कामाख्या मंदिर वाला पहाड़ है, कामाख्या मंदिर है उधर। बारिश होने के कारण अभी ठंडा मौसम है। ये सरायघाट ब्रिज आपने देखा है, ये अभी देख सकते हैं हम पूरा जिग गया है, पूरा भीज गया है, क्योंकि बारिश हो रही है ना अभी। यहाँ पीछे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम वहाँ पे रुकना पड़ा हमको बारिश के कारण। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए आपने देखा, जो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, आगे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे अच्छे से।